अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आमिले कामिल चैनल में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम बहन भाई, मेरे तमाम देखने वाले, मेरे तमाम सुनने वाले खैरियत से होंगे। और दोस्तों, आज जो अमल आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ, ये एक इंतहाई खूबसूरत परी को हाजिर करने का अमल है। यानी कि अगर आप ये अमल करते हैं तो इंशाल्लाह ताला इससे एक इंतहाई दिलफरेब, एक इंतहाई खूबसूरत जो है वो जिन परी जिसे आप कहते हैं कि वो हाज़र होगी और आपके हर हुक्म की जो है वो तामील करेगी। और इसमें आप उससे कोई सा भी काम ले सकते हैं, दुनिया का हर काम जो है ना ये कर सकती है। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है, दुनिया का कोई ऐसा जिसे कहते हैं कि दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो ये जिन परी ना कर सके। और इसके साथ साथ ये इंतहाई खूबसूरत भी होती है। तो दोस्तों, आप सब से मेरी गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें, शुरू से लेकर आखिर तक देखें, ताकि कोई भी अहम पॉइंट, कोई भी अहम बात जो है वो आप मिस ना करें। तो वीडियो को मुकम्मल देखें शुरू से लेकर आखिर तक। अगर बीच में से छोड़ेंगे तो बस फिर वो जो अहम बातें होती हैं वो बीच में से आप मिस कर जाते हैं, बाद में कहते हैं जनाब कामयाबी नहीं हुई। तो कामयाबी ना होने की वजह भी यही होती है कि आप लोग जो इंतहाई अहम बातें होती हैं उनको बीच में मिस कर जाते हैं। जब उन बातों को मिस कर जाते हैं तो बाकी वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं रहता। तो वीडियो मुकम्मल देखा करें। तो अमल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अमल किस तरह से करना है, अमल करने का तरीक़ेकार क्या होगा? दोस्तों, अमल में आपने ये करना है कि आपने सबसे पहले जिसे कहते हैं कि अपने घर के अंदर, या अगर अपने घर में जगह नहीं है तो किसी और जगह पर जाके आपने इस अमल को करना है। लेकिन जिस जगह पर भी आप ये अमल करेंगे वहाँ पर आपके अलावा कोई दूसरा बंदा मौजूद ना हो, ठीक है? अगर कमरे में कर रहे हैं, कमरे में आप ही होने चाहिए, आपके अलावा कोई दूसरा बंदा नहीं होना चाहिए, आप अकेले उस कमरे में मौजूद हो। और आपने क्या करना है उसके बाद, उसके बाद आपने ये करना है कि सबसे पहले अपने इर्द गिर्द एक हिसार लगाना है। हिसार लगाने के बाद दोस्तों आपने जिसे कहते हैं कि सूरह जिन जो है उसको आपने उसका विर्द करना है, ठीक है? सूरह जिन को हिसार लगा के आपने 40 बार पढ़ना है। 40 बार सूरह जिन को हिसार लगा के आपने पढ़ना है। तो इंशाल्लाह ताला इसमें जिसे कहते हैं कि एक तरह से इसको आपने कम से कम 21 दिन तक करना है इसी तरह इस अमल को। तो हिसार लगा के करना है, हिसार के बगैर नहीं करना, ये बात अपने जहन में रख लें। तो इंशाल्लाह ताला इसमें जिन परी की हाजिरी हो जाती है और इंतहाई खूबसूरत परी होती है। दुनिया का हर काम कर सकती है, दुनिया के आपको मुख्तलिफ मेवे ला के दे सकती है, दुनिया के मुख्तलिफ चीज़ें ला के आपकी खिदमत में पेश कर सकती है, आपके महबूब को ताबे कर सकती है, आपको जिसे कहते हैं कि दुनिया भर की सैर करा सकती है, आपको हर दुनिया की सहूलियत जो है वो ला के दे सकती है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको ये बात भी बताना चाहूँगा कि हमारा नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा। अगर आपका कोई सा भी मसला है, कोई सा भी मसला है आपका, चाहे आपका जिसे कहते हैं कि अगर आपकी ख्वाहिश है कि आप जिन्नात ताबे करें, हमजात ताबे करें, परियां ताबे करें, तो आप हमारी निगरानी के अंदर अमलियात कर सकते हैं, हमसे राबता करें और हमारी निगरानी में अमलियात करें, ठीक है? जब हमारी निगरानी होगी तो आपकी कामयाबी भी हमारी जिम्मेदारी होगी। व्हाट्सएप पर राबता करके बताएं, मैं जिन का अमल करना चाहता हूँ, मोकिल का अमल करना चाहता हूँ, जो भी आप अमल करना चाहते हैं आप हमें बताएं। इंतहाई मुनासिब हदीये के साथ आपकी रहनुमाई की जाएगी और आपको कामयाबी तक पहुँचाया जाएगा। याद रखिएगा, बगैर उस्ताद के जो लोग इस दुनिया में कदम रखते हैं वो कामयाब नहीं होते, ठीक है? आप खुद से बैठ जाएंगे, एक वीडियो देख के, एक किताब पढ़ के, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आप नहीं जानते, जिनको आप नहीं समझते, हज़ारों ऐसी चीज़ें होती हैं। जब तक उस्ताद सर पे ना हो, कामिल उस्ताद की निगरानी ना हो, इस तरह के अमलियात जो हैं वो मत किया करें, ठीक है? उस्ताद के बगैर बहुत मुश्किल होगा आपको कामयाबी का मिलना। इसके साथ साथ दोस्तों, आपका कोई सा भी मसला है, चाहे आपका जायदाद का मसला है, चाहे आपका मोहब्बत का मसला है, चाहे आपका कर्ज का मसला है, आपने कर्ज लिया हुआ है या किसी को आपने कर्ज देना है, कोई बंदा आपका कर्ज वापस नहीं कर रहा, चाहे आपका बेटी का मसला है, ससुराल वाले ठीक नहीं है, चाहे माल और दौलत का मसला है, चाहे गुर्बत का मसला है, कोई सा भी आपका मसला है, कोई सा भी आपका काम है, तो आप बराह रास्त हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर रब्ता करें और हम आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेंगे, आपकी मुकम्मल आपको गाइड करेंगे कि आप अपने मसले से बाहर कैसे आ सकते हैं। और जब तक आपका मसला हल नहीं हो जाता, हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको गाइड करते रहेंगे। लेकिन एक बात है कि उसमें आपने हदीये के साथ रब्ता करना है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो संजीदा हजरात नहीं होते, लिहाजा
हम अपना वक्त उसमें जाया नहीं कर सकते। लिहाजा अगर आप हदीये के साथ रابطہ करेंगे तो ये इस बात की जमानत होगी कि आप गैर संजीदा नहीं है, आप संजीदा हैं, ठीक है। और जब आप संजीदा हैं तो इंशाल्लाह ताला, तो फिर अगर आप संजीदा हैं तो फिर हमें भी आपकी मदद करते हुए खुशी होगी। लेकिन फ्री वाले हजरात जो हैं वो रابطہ ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। फ्री में हम यहाँ पर बता देते हैं। उसके अलावा जो व्हाट्सएप पे रابطہ करेंगे उसका हम हदिया चार्ज करेंगे, क्योंकि उसमें हम अपना वक्त देते हैं, अपना टाइम देते हैं, तो उसका जो है हदिया हम लेते हैं, ठीक है। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।